टाइल्स चाहिए हो या फर्नीचर, चले आइए क्लासिक टाइल्स एवं राजस्थान फर्नीचर, इलाहाबाद बैंक जो अब न्यू इंडियन बैंक है, पंधाना रोड पर, दिए गए नंबर पर संपर्क भी कर सकते हैं। इसके खंडवा के मुगट थाने में इस समय मुस्लिम समाज पहुंचा है, किस मामले को लेकर पहुंचा है चलिए बात कराते हैं। जी, मुगट में आए हैं आप, आपने आवेदन दिया है, क्या विषय, किस विषय को लेकर दिया है? देखिए, हमने पिछले दिनों की घटना थी खंडवा शहर की, कुछ युवकों ने मोहर्रम में फिलिस्तीन के फ्लैग लहराए थे, उसके अगेंस्ट में कुछ अदर लोगों ने जा करके पूरी मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट करते हुए ये कहा कि फिलिस्तीनी समर्थक आतंकवादी। मेरा उनसे ये सवाल है कि आपने ज्ञान कहाँ से लिया है? आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ज्ञान लेते हो? आपको पता ही नहीं कि हमारे देश की विदेश नीति का हिस्सा हमेशा से रहा है फिलिस्तीन का समर्थन करना, ये आज से नहीं है। पंडित जवाहरलाल नेहरू को आप देख लीजिए, उसके बाद इंदिरा गांधी, राजीव गांधी जी, यहाँ तक आप ही की पार्टी और आप ही की विचारधारा के अटल बिहारी वाजपेयी जी का आप जब गूगल पे डालकर देखेंगे तो उन्होंने क्लियर ये कहा है कि इसराइल फिलिस्तीन की धरती पर अमेरिका की मदद से कब्जा करके बैठा है हमेशा से और क्रूरता करता आया है। ये अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी यूएन के भाषण में भी अपने कहा और लाल किले से भी ये कहा है कि मैं फिलिस्तीन का समर्थन करता हूँ। चलो ठीक है, वो पुराने मामलात हैं। अभी हालिया हमारी जो हुकूमत है जिसके वज़ीर आला माननीय नरेंद्र मोदी जी है, नरेंद्र मोदी जी ने जा करके फिलिस्तीन का दौरा किया पूर्व में और अभी भारत की विदेश नीति का हिस्सा ये रहा है कि फिलिस्तीन का समर्थन किया है। 2.5 मिलियन की मदद भारत ने, मैं जिम्मेदारी से बात कह रहा हूँ ऑन रिकॉर्ड मीडिया में, कि भारत ने सिर्फ मौखिक रूप से फिलिस्तीन का समर्थन नहीं किया है, भारत की सरकार ने फिलिस्तीन की आर्थिक मदद भी की, आर्थिक सहायता भी की है वहाँ पर, खाने के लिए, पीने के लिए, जिस भी तरह से भारत देश ने, हमारे भारत की हुकूमत ने फिलिस्तीन की सहायता की है। अभी हालिया में अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट का एक डिसीजन आया है, उसमें सभी देशों ने पक्ष में फिलिस्तीन के मतदान किया था यूएन की सभा में, और अभी हालिया में अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट का एक निर्णय आया है, अभी 2-3 दिन पहले उसने ये क्लियर कहा है कि इसराइल ने अवैध रूप से फिलिस्तीन की ज़मीन पर कब्जा किया है और वहाँ पर क्रूरता कर रहा है। अब तक कमोबेश 1 लाख बच्चों को कत्लेआम किया जा चुका है, जो कि आप यूट्यूब पर या किसी भी सोशल मीडिया के स्टेज पर देख सकते हैं कि इसराइल किस तरह से क्रूरता कर रहा है, ये किसी से छुपा नहीं है। हमारे देश के मशहूर इंडस्ट्रियल बोल लो या फिर सेलिब्रिटीज बोल लो, फिल्मी जगत के सब ने फिलिस्तीन का समर्थन किया है। जो राफा में क्रूरता की गई, मानवता की, इंसानियत की हत्या की गई, ये सिर्फ मुसलमानों का मुद्दा नहीं है, ये इंसानियत का मुद्दा है। क्या पूरा विदेश या कहीं विदेश हिंसा से चलेगा कि आप किसी की ज़मीन पर कब्जा करोगे? दूसरी बात तो ये, पहली बात ये हो गई थी कि मानवता के नाते और देश के नाते हमारे देश की विदेश नीति का हिस्सा रहा है फिलिस्तीन का समर्थन करना। हमारा देश हमेशा जालिम की हुकूमत में नहीं रहा है बल्कि मजलूम की हिमायत में रहा है। फिलिस्तीन ने समर्थन, भारत ने फिलिस्तीन का समर्थन हमेशा किया है। उस पर पालीवाल ने कहा कि मारो काटो, तो क्या भारत की गवर्नमेंट पे भी आप यही आपके बोल रखोगे? ये पहला मुद्दा क्लियर होगा। दूसरा, हमारी आस्था का मुद्दा है कि किबला अव्वल बैतुल मुकद्दस फिलिस्तीन में मौजूद है, जो हमारा पहला किबला है, मक्का के बाद, मदीना शरीफ के बाद, मक्का मुकर्रमा के बाद जो बैतुल मुकद्दस मस्जिद अक्सा है, वो मुसलमानों की अकीदत का एक पहलू है, आस्था का केंद्र है। हम किस तरह से उसको छोड़ सकते हैं, किस तरह वहाँ पे यहूदियों का कब्जा कर सकते हैं? और जो लोग इसराइल का सपोर्ट कर रहे हैं वो क्लियर तौर पर मानवता की हत्यारों का, छोटे छोटे मासूम बच्चों के हत्यारों का समर्थन कर रहे हैं, क्या यही आप अपने बच्चों के लिए स्वीकार कर पाऊंगे? जो इसराइल है वो एक आतंकवादी देश है, ये हमेशा से सभी शांतिपूर्ण देशों ने कहा है, यही हमारी भारत की विदेश नीति है कि इसराइल एक आतंकी देश है, उसका समर्थन कभी भारत का नागरिक नहीं करता, भारत की हुकूमत नहीं करती। आज तक कभी भारत की किसी सरकार ने इसराइल का समर्थन नहीं किया है। ये इन नफरती चिंटुओं को जो व्हाट्सएप से ज्ञान प्राप्त करते हैं उनको पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए कि मेरे देश की नीति क्या है, सही गलत क्या है। तीसरा, ये कालम कि इन्होंने कहा कि हम ये कहते हैं कि फिलिस्तीन के समर्थकों को मारो काटो, ठीक है, मैं उनसे कहना चाहता हूँ जिसने ये कहा है कि आपने कितनी हत्याएं करवाई खंडवा शहर में, हमें सब ज्ञात है, हमने जेल में देखा है जिन लोगों का आपने नशे पत्ते में ये हत्याएं करवाई। आप मुसलमान से इतनी नफरत करते हैं कि आपके जहन में इतना इस्लामोफोबिया है
क्या आपने गरीब बच्चों से हत्याएं करवाई? हमने उनका हाल जेल में देखा है कि उनके पास पहनने को चप्पलें नहीं थी। तो मैं आपसे कहता हूँ कि आपकी मुस्लिमों के प्रति नफरत शांत करने का एक ही तरीका है, आपके बालक से आप किसी मुसलमान के लिए हिंसा करवा दो, हो सकता है कि आपका गुस्सा शांत हो जाए। अन्यथा आप खंडवा शहर को भड़काना जलाना बंद करें, एक समुदाय को दूसरे समुदाय के खिलाफ भड़काना बंद करें, और या तो आप इतना ही आपके अंदर इस्लामोफोबिया है, इस बीमारी से आप इतने ही ग्रस्त हैं, तो आप आपकी औलाद से मुसलमानों के लिए नफरत सिखाए और उनसे हिंसा कराने का आग्रह करें। आप क्यों गरीब बच्चों का जिंदगी खराब कर रहे हो? आपके बालक से आप हिंसा नहीं करवाते? जब आपके बालक से आप हिंसा नहीं करवाते आप, तो किस तरह आप दूसरे के बच्चे से हिंसा करवा सकते हो या उसके लिए उकसा सकते हो? तो मेरा यही कहना है प्रशासन से कि ये क्लियर तौर पर नफरत की श्रेणी में आता है, हिंसा की श्रेणी में आता है, उकसाने का, इसमें एक विशेष समुदाय के खिलाफ भड़काने का, नीचा दिखाने का, इसके ऊपर केस बनना चाहिए। क्यों नहीं केस बनता? इसके पहले CSP ऑफिस में एक नफरती चिंटू ने खड़े होकर CSP साहब के सामने अनगल टिप्पणी करी थी, समस्त मुस्लिम समाज को काटने मारने की धमकी दी थी, आज दिनांक तक उस पर केस नहीं हो पाया, अभी भी वही का वही हो रहा है। इन लोगों को बढ़ावा मिलता है क्या? इनको राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है? क्यों प्रशासन इस पर कोई कार्रवाई नहीं करता? अभी यही कोई उर्दू नामदारी करता या कुछ करता, अब तक उस पर FIR हो जाती है, उसका घर टूट जाता, सब कुछ हो जाता। तो हमारा यही प्रशासन से आग्रह है कि अगर आप शांति की उम्मीद करते हैं तो आपको न्याय करना पड़ेगा। समस्त मुस्लिम समाज शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पर आया और हम गंदे से गंदा मिलाकर प्रशासन के साथ खड़े। अगर हमारे समाज का बच्चा भी कुछ गलत करेगा तो हम कभी उसका साथ नहीं देंगे, लेकिन हमारा प्रशासन से यही आग्रह है कि हम भी यहाँ पर फिलिस्तीन के समर्थक बनकर आए, क्योंकि हमारे भारत की विदेश नीति ही यही है, हमारे देश की विदेश नीति ही यही है कि फिलिस्तीन का समर्थन हमारे देश ने हमेशा किया है। और जो इसराइल के झंडे लेकर आए थे, जो आतंकी देश के झंडे लेकर आए थे, वो आतंकी मानसिकता के पूर्ण रूप से खुला समर्थन कर रहे हैं, और उनका समर्थन इसराइल को इसलिए कि मुसलमानों से नफरत करना है, इस्लामोफोबिया, उनका इस्लाम से इतनी नफरत बढ़ चुकी है, इसराइल से उनका कोई लेना देना ही नहीं है, सिर्फ इसलिए कि मुसलमानों को मार रहा है, काट रहा है, तो उसका समर्थन कर रहे हैं, वरना इस्लाम से उनका ताल्लुक नहीं है और इसराइल से उनका कोई ताल्लुक नहीं है, कि क्लियर तौर पे दिखता है। हमारा प्रशासन से हाथ जोड़कर निवेदन है कि ऐसे नफरती चिंतुओं पर आप सख्त से सख्त कार्रवाई करके मुस्लिम समाज को निर्देश दे कि आप भी हमारे हैं और आप भी इस देश का अभिन्न अंग है। उन्होंने कहा कि हम गद्दार हैं, हम ये कहना चाहते हैं कि हमने जिन्ना की टू नेशन थ्योरी को ठुकराया है, हमने इस देश की अजमत और इस्मत को अपना कर, हमारे असलाफ ने इस देश को चुना है, बाई चांस नहीं है, बाई चॉइस है, हम सब कुछ जानते हुए यहाँ पर रुके हैं, हम नहीं गए उस वक्त भी, ना अब जाएंगे, ना तब हिजरत करी थी ना आप करेंगे, हम इस देश के साथ हैं, हमारी आस्था इस देश के संविधान में, और हमें भरोसा है कि हमारे साथ न्याय होगा। अशफाक सीगड़, पार्षद कार्रवाई। टाइल्स चाहिए हो या फर्नीचर, चले आइए क्लासिक टाइल्स एवं राजस्थान फर्नीचर, इलाहाबाद बैंक जो अब न्यू इंडियन बैंक है, पंधाना रोड पर, दिए गए नंबर पर संपर्क भी कर सकते हैं।